फ्रेजल वर्ब की सीरीज़ कर रहे हैं, जल्दी से इस वीडियो को पॉज कीजिए और इन दोनों फ्रेजल वर्ब्स का, इन फिलर्स को आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो आओ एक बारी मैं आपको इनके आंसर्स बता देता हूँ। देखो, जो फर्स्ट वाला फिलर था, द टेररिस्ट डैश द मोटर कार, इसका आंसर क्या था जी? इसका आंसर था होल्ड अप। इसका आंसर था जी होल्ड अप। और भाई पास्ट की बात थी तो फ्रेजल वर्ब भी वर्ब की तरह अपना टेंस चेंज कर जाती, यहाँ हेल्ड अप लगा देते। होल्ड वी वन होती है ना, हेल्ड वी टू होती है, तो क्या आंसर लगा देते इसका? इसका आंसर आप लगा सकते थे हेल्ड अप। हेल्ड अप इसका आंसर था। अगली जो फ्रेजल वर्ब थी उसका आंसर था ही हैज डैश चार्ज टू न्यू मैनेजर। ही हैज डैश चार्ज का मतलब होता है जी डैश चार्ज, इसका आंसर था हैंड ओवर। और यहाँ भी हैज था तो यहाँ पर हैंडेड ओवर लगा देते। ये दोनों इनके आंसर थे। अब बात कर लेते हैं एक बारी इन्हें याद करें कैसे। देखो सीधी सी बात थी, होल्ड ऑन का मतलब होता है कैरी ऑन, किसी चीज़ को जारी रखना। मैंने इसे कैसे याद रखा, इसकी राइम बना ली थी होल्ड ऑन की किसके साथ, कैरी ऑन, दोनों के पीछे ऑन ऑन था, मुझे याद हो गया था कोई चीज़ को जारी रखना। नेक्स्ट जो फ्रेजल वर्ब आई उसका मीनिंग था होल्ड आउट। होल्ड आउट का क्या मतलब होता है? एक बंदा बॉस अपने एम्प्लॉय को कहता है होल्ड कर ले अपनी आदतों को वरना आउट कर दूंगा, यानी वो उसे किसी चीज़ से रोक रहा है। इसका मीनिंग होता है जी टू रेजिस्ट, किसी चीज़ को करने से रोकना, किसी चीज़ का परहेज करना, ठीक है। होल्ड ओवर, होल्ड ओवर भाई कहीं पर कोई फंक्शन वगैरह था, मैं बहुत लेट गया तो मैंने जाके कहा, कोई वहाँ था ही नहीं, मैंने जाके कहा क्या हुआ फंक्शन ओवर हो गया क्या? तो उस मेरे फ्रेंड ने कहता ओवर नहीं होल्ड ओवर हो गया, ओवर नहीं होल्ड ओवर हो गया, यानी उसने उस फंक्शन को क्या कर दिया, उसने उस फंक्शन को पोस्टपोन कर दिया थोड़े टाइम के लिए। होल्ड ओवर का मतलब होता है जी पोस्टपोन करना। नेक्स्ट जो मेरे पास फ्रेजल वर्ब देखी होल्ड अप, होल्ड अप का मतलब होता है जी भाई होल्ड, देखो होल्ड का मतलब रोक लिया, और आप मतलब कह रहे हैं अब दे दो सामान वगैरह, नहीं तो सीधा रोक लिया रास्ते में, कह रहा है नहीं तो सीधा ऊपर भेज दूंगा तुमको, यानी मार दूंगा। ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि उसने लूटने के इरादे से हमें रोक लिया। तो इसका मीनिंग होता है जी टू स्टॉप इन ऑर्डर टू रोप, किसी को लूटने के लिए इरादे से रोकना हो, रोकते हैं उसमें ये वर्ड यूज़ होती है फ्रेजल वर्ब। आगे कहता है जी जंप एट, जंप टू, हैंड आउट, हैंड ओवर। आंसर था जी हैंड ओवर। देखो हैंड ओवर हैज था तो हैंडेड ओवर, हैंड ओवर का मतलब होता है चार्ज दे देना। कहते भी नहीं है कई बार कि चार्ज हैंड ओवर कर दिया, मेरे को ये अथॉरिटी मिली थी मैंने उसे हैंड ओवर कर दी, मतलब आपने किसी और को सौंप दी, गिव चार्ज टू समवन, ठीक है, किसी और को चार्ज दे देना। हैंड आउट, हैंड आउट का क्या मतलब होता है? देखो मेरे पास कोई चीज़ थी ना, मैं उस चीज़ को बांटने वाला था, जैसे ही मैंने अपने हाथ में निकाली, हैंड में निकाली, वो चीज़ उसी टाइम आउट हो गई, यानी पूरी तरह बट गई। इसका मतलब ही होता है जी डिस्ट्रीब्यूट करना, इस तरीके से लिंक किया था, हाथ से बाहर निकालते ही वो चीज़ पूरी तरह से बट गई। आगे कहते हैं जंप एट, जंप एट का मतलब होता है एक्सेप्ट कर लेना, कहते नहीं उसने ऐसा ऑफर दिया कि मैं तो कूद पड़ा, मैं उस ऑफर से मना ही नहीं कर पाया। तो इसका क्या मीनिंग होता है जी? इसका मीनिंग होता है एक्सेप्ट हैप्पीली, ठीक है। जंप टू, जंप टू ए डिसीजन, ऐसे याद रखो, मैंने तो यही लिंक किया था जंप टू ए डिसीजन। जंप टू का मतलब होता है जी किसी निर्णय पर आना, और वही एकदम सडनली आप कहीं पर आ गए, किसी निर्णय किसी डिसीजन पर आप आ गए, यानी अराइव सडनली। यही थी फ्रेजल वर्ब्स, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई है। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज के अंदर। थैंक यू स्टूडेंट्स।